नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश जनपद में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को पुलिस अधीक्षक इराज राजा द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के दृष्टिगत MAH इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, राजकीय सिटी इंटर कॉलेज, राजकीय महिला PG कॉलेज, शिवनाथ सिंह राजकीय महिला इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, लार्ज कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज गाजीपुर आदि परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपस्थित रहे लोगों में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अनेकों पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या है डेट और किस तरीके से कराई जा रही परीक्षा? सर, इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 पांच दिनों में ये रहेगी और टोटल 10 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। डेली 2 पालियों में परीक्षा होगी। लगभग 5,000 परीक्षार्थी जनपद गाजीपुर में इस परीक्षा में अपीयर होंगे, तो पूरी तैयारी है इसकी और उसी के क्रम में विभिन्न केंद्रों को विजिट किया जा रहा है। जो हमारी फाइनल हमारे जो भी टच हैं वो दिए जा रहे हैं। SP सिटी साहब इसके नोडल हैं, उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है और बहुत अच्छी तरीके से इसको सभी चीज़ें संपादित की जा रही हैं। सभी स्कूल मैनेजमेंट और उनसे भी वार्ता की गई है और जो विभिन्न एजेंसीज इसमें शामिल हैं उनसे भी वार्ता करके जो भी सारी चीज़ें हैं उनको पूर्ण कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र सर कितने बनाए जा रहे हैं? सर, टोटल 12 परीक्षा केंद्र हमारे जनपद में और सभी परीक्षा केंद्र हमारे मुख्यालय के समीप ही हैं और बहुत अधिक समय किसी को भी मुश्किल से 15-20 मिनट किसी भी केंद्र पर मुख्यालय से जहाँ पर पेपर रखे जाएंगे ट्रेजरी से पहुँचने में लगेगा। पारदर्शी, नकलविहीन, सुचितापूर्ण, निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। प्रत्येक केंद्र पर और पूरे क्षेत्र में हमारी ड्यूटीज लगाई गई हैं और जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर लगातार उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और जो भी ऐसे लोग मिलेंगे उन पर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरी परीक्षा इसको संपादित करेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कितने स्टाफ लगे रहेंगे सर, किस तरह के? हमारा सभी हमारे CO रहेंगे और सभी हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर भी पर्याप्त पुलिस बल भारी संख्या में इसमें लगाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा QRTs भी बनाई गई हैं जो कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर खासतौर पर हमारे बॉर्डर के स्थानों पर भ्रमणशील रहेंगी और सभी स्पेशल ड्यूटीज़ हमारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, टैक्सी, ऑटो स्टैंड्स पर भी लगाई जा रही हैं ताकि वहाँ से जो मूवमेंट है जो परीक्षार्थी आएंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स भी विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिस बल की वहाँ पर मौजूदगी है। CCTV कैमरे की निगरानी में होगा सर? CCTV कैमरे सभी केंद्रों पर लगाए गए हैं और सभी केंद्रों को पूरा हम लोग कवरेज कर रहे हैं, गेट से लेकर अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर तक और सभी जगह पर जो हमारा जहाँ पर पेपर्स रखे जाएंगे सभी चीज़ें हमारी पूरे कवरेज में है CCTV के और उसका प्रॉपर बैकअप भी है और सब चीज़ें उसमें अच्छे से कराई गई। गाजीपुर से खबर समय जगत के लिए राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।